हेलो, कैसे हो आप? आप सबका खुर्शीद के किचन में इस्तकबाल है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शाही मटन कबाब ग्रेवी। ये रेसिपी तो सबको आती है, मगर मेरे स्टाइल में देखो। चलो इसको क्या लगता है देखेंगे। एक कोफ्ता करी को क्या क्या लगेगा हम देखेंगे। ये आधा किलो खीमा है, कोथमीर, टोमेटो प्यूरी, एक अंडा, ये खोबरे का पेस्ट है, खड़ा मसाला पाउडर, मस्का और एक काजू बादाम पाउडर डालने का से ग्रेवी के लिए, अदरक लहसुन कोथमीर, ये मिर्ची का तला हुआ तेल है, ये नमक है, बिरिस्ता है, प्याज, हरी मिर्ची, धना जीरा पाउडर है और ये दही, ये भुने हुए चने की पाउडर, हल्दी और ये मिर्ची पाउडर। हम कोफ्ते के लिए मिक्सर में डालेंगे एक एक चीज़ें। एक खीमा साफ धो के निचोड़ के, बिल्कुल कुछ भी पानी नहीं है देखो इसके अंदर, इसका तो गोला हो जाता है ऐसा, देखो इतना सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो ऐसा करना है। अब इसके अंदर नहीं बढ़ता इसलिए मैं आधा आधा डालती हूँ, आधा बाद डालती हूँ। एक मिर्ची डालेंगे, प्याज डालेंगे, कोथमीर डालेंगे, फिर चला के बाद में बाकी चीजें देती हूँ। इसमें बैठता नहीं इसलिए आधा खेमा डाली हूँ, मिर्ची, प्याज, कोथमीर। अभी बाकी सब चीजें जो डालना है डालती हूँ, ये निकाल के रखती हूँ। ऐसा महीन पीसना है बारीक। अभी तली हुई प्याज, आधी प्याज ग्रेवी के लिए, आधी प्याज इसके लिए, बचा हुआ खीमा इसमें बैठता नहीं इसलिए आधा आधा करी मैंने। इसमें नमक, कसबी गाय का नमक, बादाम काजू पेस्ट है आधा इसमें, आधा ग्रेवी में, ये आधा डालती हूँ मैं, दिख रहा है, बादाम काजू पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चमच, गरम मसाला पाउडर आधा चमच, आधा चमच ग्रेवी का, इसमें धनी जीरे पाउडर, अभी इसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी, हरी मिर्ची डाली है इसलिए मैं कम डाली हूँ हल्दी। अभी हम इसमें सब मसाले हो गए, अभी ग्राइंड कर देती हूँ। ऐसा मसाला डाल के पीसी हूँ, अभी ये दोनों एक मिक्स करना है। अभी अभी इसके अंदर मस्का डालना है। इस एक खीमा कैसा लिया है, फैट्स वाला खीमा लिया है, फैट्स आए तो बाइबिंग के लिए अच्छा होता है, चिकने अच्छी टेस्टी बनते हैं, इसके लिए मैं ये डालती हूँ, ये तेल डाले तो चलता है, मैं मस्का डालती हूँ इसके अंदर, पूरा मस्का डालती है, एक टेबल स्पून है, मिला लेंगे। ये भुना हुआ फुटाने की दाल जो चने रहते ना, तो भुने हुए रहते, उसकी पाउडर है बाइंडिंग के लिए लगा, तो हम और डालेंगे, इतना सफिशियंट है, सभी मिला देंगे हम। अभी इसमें पुदीना डालेंगे, पुदीने की टेस्ट अच्छी आती है, और फिर एक बार मिलाएंगे ऐसा, फिर इसका हम बॉल बनाएंगे। अभी हम इसके तेल का हाथ या पानी का हाथ लगा के बॉल बनाएंगे, जितना चाहे उतना बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, अपनी जैसा चॉइस है वैसा बना सकते हैं। अगर ऐसे दबाना है ये बॉल बनके तैयार है, ये अपना छोटा बेबी बॉल है अपना, रखेंगे इसको गैस पर, बर्तन रखेंगे। ये खास मेरा कबाब का मंगना है, बर्तन है, ओनली कबाब के लिए निकलता है बाहर, ये सिर्फ कबाब के लिए, ये सब तरफ से उसके ये अच्छा होता है, सब तरफ से अच्छा एक जैसा पकता है,
ये भिंडी का तेल है, ये डालेंगे हम, ये तल के निकालेंगे। ये तल के हो गया, अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी इसका तेल कम करेंगे हम और अभी ग्रेवी की तैयारी करेंगे हम। अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, खड़ा गरम मसाला, चाहे इलायची, लवंग और शाहजीरा। इसमें हम प्याज डालेंगे, कच्ची प्याज डालने बाद में मिर्च डालेंगे, तली हुई प्याज, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर अदरक, लहसुन पेस्ट एक एक चमचा, इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, दो बड़े बड़े टमाटर। टमाटर प्यूरी इसलिए ली क्या, ये सब मसाले एक जान होते हैं और गलने तक रुकना पड़ता टमाटर। अभी ये पकने के बाद जल्दी पकता है और एक जैसे ग्रेवी बनती है। इसे बिरिस्ता भी है, भुने जा रहा है कैसा, कितना अच्छा भुने जा रहा है। अभी पिसा हुआ नारियल डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे दो चमचे, ये कश्मीरी मिर्ची है, हाँ ज्यादा डाल तो डरना नहीं। और शाही इसलिए है, ये बादाम काजू का पेस्ट है, अपन कोफ्ते में डाले हैं और इसमें भी डालेंगे, इसलिए हमारा शाही बनता है। अच्छा सौते करेंगे इसको, भून के लेंगे। अभी रहा है धने जीरा पाउडर, घर में बनाया बुम्बेड है, धने जीरा भून के पाउडर बनाया है, तो उसकी खुशबू एरोमा अच्छा आता है। इसके बाद में 200 ग्राम दही है, अभी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हसबी जाय का नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के सौते करेंगे कि इसमें कोफ्ते भून सके, अच्छा मसाले में मसाला अंदर जा सके। हरा धनिया डाल रही मैं, अभी इसके अंदर इसको उबाल आया, किनारे से तेल छुटा है, कोफ्ते डालेंगे अभी। कवर रखेंगे, अभी पकने दो, बाद में पानी डालेंगे। हो गए, देखेंगे हम, और इसको हल्के हाथ से ऐसे करना है। सब मसाला कोफ्ते में चले गए, अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे और 5 मिनट लगने के, कितना ग्रेवी चाहिए उतना, हमको ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अगर हम ये बॉल नहीं तलते ग्रेवी में डाले तो चमचा बिल्कुल नहीं लगाने का, ऐसा ही हिलाना पड़ता है उसको, क्योंकि हमने तले है ना, इसलिए हम चमचा डाल के खिलाते हैं। अभी 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, मसाला सब कोफ्ते में चला गया है, पानी डाले इसलिए 5 मिनट रखेंगे और डिश आउट करेंगे हम। मटन कोफ्ता, शाही कोफ्ता करी तैयार है, अभी इसको बनाओ, एंजॉय करो, खाओ और मेरे कॉमेंट्स में लिखो कैसा हो गया, और फिर कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, खाओ पियो मजे से रहो।